हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जब हम सिविल 3D में कोई भी एक्सेल से पॉइंट इंपोर्ट करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हों, तो हम किस तरह से ये जान सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, किस नंबर का पॉइंट किस लोकेशन पे है। तो ये फाइंड करने के सिविल 3D में दो मेथड्स हैं। हम दोनों मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम फाइल इंपोर्ट करेंगे, तो मैं पॉइंट्स, पॉइंट क्रिएशन टूल, पॉइंट फ्रॉम फाइल। पॉइंट इंपोर्ट के बारे में हम इससे पहले दो वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्लस के साइन पे क्लिक करें। ये यहाँ पे मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, इसमें तकरीबन 1000 पॉइंट है, तो मैं इसी को इंपोर्ट कर रहा हूँ। फाइल इंपोर्ट हो चुकी है क्योंकि ये ग्रीन चेक आ गया यहाँ पे। यहाँ से अपना पॉइंट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। पॉइंट इंपोर्ट हो चुके हैं। जेड इंटर, ई इंटर, ये देखिए हमारे तमाम के तमाम पॉइंट हमारी फाइल में सिविल 3D में आ चुके हैं। अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं डिस्प्ले हो रहा, तो सबसे पहले मैं इनका जो पॉइंट लेबल स्टाइल है वो चेंज कर दूंगा। किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज। अभी पॉइंट लेबल स्टाइल नन पे है, तो मैं इसे पॉइंट नंबर, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन करके अप्लाई, ओके। पॉइंट का जो लेबल स्टाइल है वो काफी बड़ा है, तो यहां से स्केल चेंज कर देते हैं 1 in 100। अब देखिए ये नंबर सारे रीडेबल हो चुके हैं। अब हमने देखना है कि हमारा इसमें, जैसे ये देखिए 244 है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरा 200 नंबर जो पॉइंट है वो कहां पे है। अगर हम इसको जूम पैन करके फाइंड करेंगे तो ये एक टाइम टेकिंग जॉब है। जैसे देखें यहाँ पे ये 520 है, ये 248 है, तो ये सीक्वेंस में नहीं। ये देखें फिर आगे 250 है, यहाँ पे 519 है, ये 240 है। इस तरह हम इनको फाइंड नहीं कर सकते। मुझे फाइंड करना है कि पॉइंट नंबर 200 कहाँ पे है। उसके लिए वेरी सिंपल है, टूल स्पेस के प्रोस्पेक्टर टैब में जाएं, यहाँ पे ये पॉइंट ग्रुप्स, इसको एक्सपेंड करें। अभी ये एक ही डिफॉल्ट ग्रुप है यहाँ पे, ऑल पॉइंट, क्योंकि हमने अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया था, तो ये सिविल 3D का बाई डिफॉल्ट है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो इस लिस्ट में अब मैं देखता हूँ, यहाँ पे ये 200 है, तो मुझे देखना है कि मेरा 200 ड्राइंग में कहाँ पे। यहाँ से पॉइंट को सेलेक्ट करें, उस पर राइट क्लिक करें, और दो मेथड है आपके पास, सेलेक्ट और जूम टू। मैं पहले जूम टू सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही जूम टू पे क्लिक किया, ये देखें पॉइंट नंबर 200 आपकी स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है। कोई और पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये देखें ये 234 है, राइट क्लिक, जूम टू, ये देखिए 234 हमारा ड्राइंग पे सामने आ चुका है। दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट, जैसे मैं ये 259 को करता हूँ, क्लिक करके सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, यहाँ से सेलेक्ट, तो ये देखें आप जूम नहीं हुआ लेकिन पॉइंट जो है वो सेलेक्ट हो गया है। ये देखें इसको अगर जूम करते हैं, ये देखिए 259, यहाँ से हमने 259 को ही सेलेक्ट किया था। कोई और, जैसे ये 311 है, राइट क्लिक, सेलेक्ट, जूम आउट, ये देखिए ये 311 जो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, ये 311 भी सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह जो भी पॉइंट की लोकेशन आप यहाँ पे फाइंड करना चाहें वो आप इन दो मेथड की मदद से फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि उनका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी इस बारे में आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।